गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वेरी फेमिलियर फिगर हियर आर डी भट्ट। आपको कल या उसके पहले हमने फिफ्थ क्लास का जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसका पहले चैप्टर से कुछ पढ़ाया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया आपकी, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया के विषय में आपको थोड़ा बहुत बताया गया। अब अगला जो आपका इंटरनल ऑर्गन में है वो स्टमक है, पेट। यहाँ से आपको आज की पढ़ाई शुरू होगी। द स्टमक इज लाइक ए मिक्सर। हमारा पेट का मुख्य काम क्या है कि जो कुछ भी हमारे पेट के अंदर जाता है उनको मिक्स कर देता है, सब कुछ मिश्रित कर देता है। उसी में भोजन, पानी और जो एंजाइम्स हैं जो पेट के अंदर डेवलप होते हैं वो इन सबको वो मिक्स कर देता है। इट टर्न्स एंड मैसेज फूड स्मॉल पीसेस द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये पूरा टर्न्स मीन्स मथना, जैसे दही को मथते हैं ना, उसी प्रकार से ये हर चीज को पूरी मथ करके छोटे छोटे पीस में एंजाइम्स की सहायता से जो हमारे पेट में जो रसायन बनते रहते हैं उनकी सहायता से इनको वो पूरी तरह से मथ करके छोटा छोटे पीस में बदल देता है। इसके बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ये जो हमारे भोजन होते हैं ये पूरी तरह से पच जाते हैं। उसमें जो रसायन प्रोड्यूस होते हैं हमारी छोटी आंत में, उनमें से ये पूरी तरह से ये पच जाता है छोटी आंत में, और जो उसका पोषक तत्व है वो खून में पहुंच जाता है। पचा हुआ भोजन फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में। पचा हुआ भोजन जो उसमें पानी की मात्रा होती है, वो पानी की मात्रा भोजन की ये हमारी बड़ी आंत में सूख जाता है, और एट लास्ट जो वेस्टेज होता है वो फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमारा लीवर आता है। ये लीवर में हमारे बहुत प्रकार के रासायनिक तत्व उत्पन्न होते हैं जो हमारी पूरी तरह से भोजन को पकाने में सहायक होते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ डज द डाइजेस्टेड फूड रीच द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या आपने कभी ये देखा या सोचा है कि जो पका हुआ भोजन है वह पचा हुआ भोजन आपके शरीर के अंगों में किस तरह से पहुंचता है। ब्लड वेसल्स कैरी फूड, जो कैरी फूड वेस्टेज ऑर्गन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे वेस्टेज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब वेस्टेज होते हैं, किस तरह से ये फिर बाहर की तरह निकल जाते हैं और जो यूजफुल चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्व कर ली जाती हैं हमारी ब्लड के द्वारा। हार्ट, हृदय। द हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड प्रोटेक्टेड बाई रिब केज। हमारे जो लंग्स होते, हार्ट होता है, यह हमारे फेफड़ों के बीच में होता है और ये सुरक्षित होता है रिब केज के द्वारा। एक हड्डियों का एक ढांचा होता है, आप देखेंगे आपके चेस्ट पे, इनके द्वारा ये वो प्रोटेक्टेड होता है। इट इज ए मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारी जो श्वसन क्रिया की, सांस लेने की क्रिया का सबसे बड़ा अंग है। हार्ट इज एज बिग एज ए क्लोज फिस्ट एंड इट्स डिवाइड इंटू फोर चैम्बर्स। यह हार्ट की जो साइज होता है वह काफी बड़ा होता है। इट हैज थिक वॉल्स मेड द स्ट्रांग मसल्स। इसकी जो हार्ट की जो चारों ओर दीवारें होती हैं ये मस्कुलर होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती हैं। दिस हेल्प अस द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। ये हमारे जो खून की नसें होती हैं उनके माध्यम से पूरे शरीर में खून को पहुंचाने का कार्य करता है। इट एक्ट्स लाइक ए पंप। यह कार्य किस तरह से करता है, एक पंप की तरह से कार्य करता है। विच कीप्स द ब्लड मूविंग इन आवर बॉडी। जो
इसकी सहायता से पूरे शरीर में हमारे खून का संचार होता है. एवरी टाइम द हार्ट कॉन्टेंट्स इट पुशेस आउट ब्लड थ्रू स्पेशल थिन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज. जो हमारी पतली पतली खून की जो ये नलियाँ होती हैं, नसें होती हैं, इनके माध्यम से शरीर के सभी अंगों में खून पहुंचाने का काम ये पंपिंग के द्वारा किया जाता है जो हर्ट करता है. आर्टरीज कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये छोटी छोटी जो हमारी नसें हैं ये शरीर में पूरे शरीर में हमें ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करती हैं. और द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड टेक देम टू द हार्ट. दिस इम्प्योर ब्लड इज सेंट टू द हार्ट. जो खून हमारा इम्प्योर होता है, अशुद्ध होता है, वह हमारी फिर हार्ट को वापस हो जाता है टू द लंग्स फर्स्ट. तो लंग्स में पहले जाता हो फेफड़ों में. देयर द ब्लड एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन मोर ऑक्सीजन. और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको ले लेता है बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है. प्यूरिफाई ब्लड रिटर्न टू हार्ट एंड प्रोसेस स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. और जो हमारे खून जो खराब खून होते हैं इनको फिर ये प्यूरिफाई करता है, यानी कि शुद्ध कर देता है और फिर ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं. द वेस्ट आर टेकन टू द किडनी. और जो खराब होते हैं ब्लड वो हमारी किडनी में वापस चले जाते हैं. स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र जो होता हमारा. आवर मसल्स ब्लड वेसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स वुड कोलैप्स इनटू ए हीप इफ दे वेयर सपोर्टेड बाय ए स्ट्रांग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन. हमारी जो मांसपेशियां हैं, खून है, हमारी नसें हैं और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये सभी नष्ट हो सकती हैं, टूट सकती हैं या खराब हो सकती हैं जब तक कि उसको हमारे एक फ्रेम के एक ढांचे का मतलब कि हड्डियों के ढांचे अगर ना होते इसके द्वारा उनका प्रोटेक्शन होता है जिसे हम स्केलेटन या कंकाल कहते हैं. द स्केलेटन डज नॉट ओनली सपोर्ट द बॉडी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड द हार्ट. यह केवल हमारे शरीर को ही सपोर्ट नहीं करता. अगर स्केलेटन ना होता तो आप शायद खड़े नहीं हो सकते थे, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते. ये सब स्केलेटन ही हमें मदद करता है इन सबको करने में. तो अगर ये नहीं होता तो ये हमारी रक्षा करता है ब्रेन्स की, जो हमारे जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है, उसकी भी रक्षा करता है और हमारी जो हार्ट हृदय है उसकी भी रक्षा करता है. और रिब केज जो होता है हमारा, जो हड्डियों का ढांचा जो हमारे हार्ट के ऊपर बना हुआ है, ये भी प्रोटेक्ट करता है. बोन्स कॉन्टेंट इज सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंसेज इन देयर सेंटर कॉल्ड द बोन मैरो. ये हड्डियाँ जो प्रोटेक्टेड जो बनी होती हैं एक जैसे कई त्रिपरांग के सब्सटेंस वस्तुओं से बनी होती हैं. बोन मैरो मेक्स मिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स. और इन हड्डियों के माध्यम से भी बहुत सारे जो ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण होता है. द बोन्स आर कनेक्टेड बाई द फ्लेक्सीबल ज्वाइंट्स विच अलाउ देम टू मूव फ्रीली. ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फ्लेक्सीबल होते हैं, लचीले होते हैं ये, जिससे कि आसानी से खून हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच सके. हमारे शरीर में आप जानते हैं कि को कुल 206 हड्डियां होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन में. बच्चों में ज़्यादा होती है, बच्चों में ओवर 300 बोन्स पाई जाती हैं. लेकिन जब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वो हड्डियां आपस में जुड़ करके एक हो जाती हैं. एंड दीज आर सपोर्टेड बाई अबाउट 640 बॉडी मूविंग मसल्स. और जो बॉडी मूविंग बॉडी को शरीर को इधर उधर घुमाने में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कुल 640 होती हैं जो इसको मदद करती हैं. एंड ज्वाइंट वर्क टुगेदर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. और शरीर के हर कार्य के लिए भी ये मसल्स और हमारी जो बोन्स होती हैं वो मदद करती हैं. आज की वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा. नेक्स्ट
वीडियो फिर आपको कल प्राप्त होगा चैप्टर फर्स्ट से। थैंक यू।